वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। आज मैं बनाऊंगी रेस्टोरेंट स्टाइल जैन ट्रिपल शेजवान फ्राइड राइस, जिसमें हम इंस्टेंट शेजवान सॉस, फ्राइड राइस विथ नूडल्स, मंचूरियन बॉल्स विथ मंचूरियन ग्रेवी और फ्राइड नूडल्स बनाएंगे। तो सबके लिए बनाना बहुत आसान होगा और ये चाइनीज़ डिश ऑलमोस्ट सभी को बहुत पसंद होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं जैन ट्रिपल शेजवान फ्राइड राइस। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी। सबसे पहले हम शेजवान सॉस बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ 12 से 15 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च ली है, जिसे मैंने तोड़कर अंदर से सारे बीज निकाल दिए हैं। अब मिर्ची में थोड़ा सा गर्म पानी डाल देंगे और मिर्ची को आधे घंटे के लिए भिगने देंगे, जिससे मिर्ची एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। तब तक हम राइस को बॉईल कर लेंगे। उसके लिए मैंने टोप में 4 कप पानी, 1 टीस्पून नमक, थोड़ा सा नींबू और आधे टीस्पून ऑयल डाल देंगे और पानी में उबाल आने देंगे। अब पानी में उबाल आने के बाद 1 कप बासमती राइस को मैंने 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दिया था, वो सारे राइस डाल देंगे। अब एक बार मिक्स कर लेंगे और राइस बॉइल्ड होने देंगे। देखिए 7 से 8 मिनट में राइस बॉइल्ड हो चुके हैं और हाथ से प्रेस करके भी चेक कर लेंगे। राइस को हमें 80-90% कुक करना है। अब राइस बॉइल्ड हो चुके हैं तो इसे हम छन्नी में डालकर गर्म पानी निकाल देंगे और ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे, जिससे कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाएंगे और राइस ज़्यादा गलेंगे भी नहीं। और 5 से 10 मिनट छन्नी में ही रहने देंगे, जिससे सारा पानी निकल जाएगा। और 10 मिनट के बाद राइस को एक प्लेट में निकाल देंगे और हाथ से स्प्रेड कर देंगे। और राइस को हम 20 से 25 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे राइस एकदम खिले खिले बनेंगे। अब हम नूडल्स बॉइल करेंगे। उसके लिए टोप में 4 कप पानी, आधे टीस्पून नमक डाल देंगे और 150 ग्राम नूडल्स को भी थोड़ा तोड़ के ऐड करेंगे और नूडल्स को बॉइल्ड होने देंगे। देखिए 8 से 10 मिनट के बाद नूडल्स बॉइल्ड हो चुके हैं और इस तरह हाथ से प्रेस करके भी चेक कर लेंगे। अब नूडल्स को हम छन्नी में डाल देंगे, जिससे गर्म पानी निकल जाएगा, और ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे, जिससे नूडल्स ओवर कुक नहीं होंगे। अब नूडल्स में से सारा पानी निकालने के बाद इतने नूडल्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके 2 अलग अलग प्लेट में निकाल देंगे, जिसमें से 1 प्लेट के नूडल्स में 1 टीस्पून ऑयल डाल के सारे नूडल्स में ऑयल अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे नूडल्स चिपकेंगे नहीं और खिले खिले रहेंगे। और ये नूडल्स को हम फ्राइड राइस बनाने वक्त यूज़ करेंगे। अब इसे हम साइड में रख देंगे और दूसरी प्लेट के नूडल्स में 1/4 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालकर मिक्स कर लेंगे। नूडल्स को हमें कॉर्नफ्लोर से अच्छे से कोट कर लेना है, जिससे नूडल्स एकदम ड्राई हो जाने चाहिए। थोड़ा सा और कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये नूडल्स को हम आधे घंटे के लिए ऐसे ही रहने देंगे, जिससे नूडल्स एकदम ड्राई हो जाएंगे, फिर फ्राई करेंगे। आधे घंटे के बाद कश्मीरी मिर्ची भीग के एकदम सॉफ्ट हो गई है। अब हम शेजवान सॉस बनाएंगे। उसके लिए छोटे मिक्सर बाउल में 7 से 8 पुदीने के पत्ते और भीगे हुए कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और इसमें 1 बड़े टमाटर के टुकड़े भी ऐड करेंगे और क्रश कर लेंगे। एक बार क्रश करने के बाद इसमें 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और वापस इसे अच्छे से क्रश करेंगे। वापस इसमें 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और एकदम फाइन पेस्ट करके तैयार करेंगे। देखिए एकदम फाइन पेस्ट बन के तैयार है। अब हम एक कढ़ाई में 1/4 कप ऑयल डाल देंगे और इसमें जो हमने लाल मिर्ची और टमाटर की पेस्ट बनाई थी वो ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शेजवान सॉस में ऑयल की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे शेजवान सॉस जल्दी से बिगड़ता नहीं है, तो इसे आप 15 से 20 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हो। अब सब मिक्स करने के बाद इसमें 1/4 टीस्पून सूंठ पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून चीनी और 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस डालकर सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। अब 8 से 10 मिनट के बाद इसमें 1 टीस्पून विनेगर और 1 टीस्पून सोया सॉस डालकर मिक्स करेंगे। विनेगर की जगह आप चाहो तो नींबू का रस भी ऐड कर सकते हो। अब सब मिक्स करने के बाद देखिए साइड में से ऑयल भी छूटने लगा है। अब हमारा शेजवान सॉस बनके रेडी है। देखिए आधे घंटे के बाद नूडल्स एकदम ड्राई हो गए हैं। अब हम फ्राई करेंगे।
फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल पहले से गरम करने रख दिया था, और फ्राई करने वक्त ऑयल भी अच्छे से गरम होना चाहिए, और नूडल्स ऑयल में डालने वक्त गैस की फ्लेम भी हाई रखनी है। अब इस तरह हम नूडल्स को पलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और इतने नूडल्स को हम दो बैच में फ्राई करेंगे। देखिए 7 से 8 मिनट में नूडल्स फ्राई करके तैयार है, और इस तरह हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और बाकी के नूडल्स को भी फ्राई करेंगे। अब हम फ्राइड राइस बनाएंगे, उसके लिए पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और पैन में इस तरह ऑयल को स्प्रेड कर लेंगे। अब इसमें 1 कटी हुई हरी मिर्ची, 1/2 टीस्पून सूंठ पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1/3 कप बारीक कटी हुई फ्रेंच बीन्स डालकर मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर सौते करेंगे। सारी सब्जी को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर सौते करेंगे, जिससे सब्जी में हल्का क्रंची रहेगा। अब 1/3 कप बारीक कटा हुआ कैप्सिकम, 3/4 टीस्पून नमक डालकर सब मिक्स कर लेंगे और वापस इसे हम 1 से 1.5 मिनट सौते करेंगे। अब इसमें 1/3 कप बारीक कटा हुआ कैबेज डाल देंगे और इसमें 1 टेबलस्पून सेजवान सॉस, 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस, 2 टीस्पून सोया सॉस डालकर मिक्स कर लेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक पकने देंगे। अब सब मिक्स करने के बाद फ्रिज में से मैंने राइस निकाल दिया है, वो सारे राइस इसमें ऐड कर देंगे और जो हमने नूडल्स में ऑयल डाल के रखा था वो भी इसमें ऐड कर देंगे और चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने वक्त भी ध्यान रखना है कि हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, आप चाहो तो इस तरह 2 चम्मच से भी मिक्स कर सकते हो, जिससे राइस का दाना टूटेगा भी नहीं और सारे मसाले अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे। अब सब मिक्स करने के बाद इसमें 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने ऐड किया है, और इसमें 1 टीस्पून विनेगर भी ऐड करेंगे और सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक ऐड करने वक्त ध्यान रखना है, क्योंकि हमने नूडल्स और राइस बॉईल करने वक्त भी नमक ऐड किया था। अब हमारे फ्राइड राइस विथ नूडल्स बन के रेडी है, आप चाहो तो इसे ऐसे भी खा सकते हो, पर आज हम इसे मंचूरियन बॉल्स विथ मंचूरियन ग्रेवी के साथ सर्व करेंगे। तो अब हम मंचूरियन बॉल्स बनाएंगे, उसके लिए 2 कप बारीक कटी हुई कैबेज, 1/2 कप बारीक कटा हुआ फ्रेंच बीन्स, 1/2 कप बारीक कटा हुआ कैप्सिकम। सारी सब्जी को हम बारीक चॉप करेंगे, ग्रेट नहीं करना है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और आप चाहो तो नमक को सब्जी में अच्छे से मिक्स करके जो सब्जी में से पानी छूटेगा उसे आप अलग निकाल कर मंचूरियन ग्रेवी बनाने वक्त यूज़ कर सकते हो। अब इसमें 1/2 टीस्पून सूंठ पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून सेजवान सॉस, 1 टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट, 2 टीस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसमें 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहो तो इसमें 2 टेबलस्पून मैदा भी ऐड कर सकते हो। मैंने सब्जी में नमक डालने के बाद सब्जियों का पानी नहीं निकाला था और इसमें 1/4 कप कॉर्नफ्लोर और ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और कॉर्नफ्लोर हमें उतना ऐड करना है कि बॉल्स बनाने वक्त बाइंडिंग आना चाहिए। बाइंडिंग के वक्त आपका 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ज़्यादा भी लग सकता है या फिर 1 टेबलस्पून कम भी लग सकता है। अब एक बार हाथ को वॉश कर लेंगे और इस तरह प्रेस करके गोल गोल बॉल्स बनाएंगे। मंचूरियन बॉल्स आप अनइवन पकौड़े के जैसे भी बना सकते हो, और बॉल्स बनाने वक्त कॉर्नफ्लोर हाथ में चिपके तो आप थोड़ा सा पानी वाला हाथ करके भी बॉल्स बना सकते हो। इसी तरह बॉल्स बनाकर फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने पहले से ऑयल गरम करने रख दिया था। फ्राई करने वक्त ऑयल भी अच्छे से गरम होना चाहिए और गैस की फ्लेम भी हाई रखेंगे, और सारे बॉल्स ऑयल में डालने के बाद गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और पलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। बॉल्स को हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ऊपर से कलर आ जाएगा पर अंदर से कच्चे रहेंगे। देखिए बॉल्स फ्राई हो चुके हैं और सारे बॉल्स मैंने इसी तरह फ्राई कर लिए हैं, और इतने स्टफिंग में से 25 से 26 मंचूरियन बॉल्स बने हैं। तोड़कर भी देख लेंगे, देखिए अंदर से भी पक गए हैं, और मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने से कॉर्नफ्लोर पक भी जाएगा और सब्जियों में हल्का क्रंची भी रहेगा। अब हम मंचूरियन ग्रेवी बनाएंगे, उसके लिए पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालकर मीडियम फ्लेम पर सौते करेंगे। अब इसमें 1/4 कप बारीक कटा हुआ फ्रेंच बीन्स, 1 टीस्पून नमक, 1/4 कप बारीक कटा हुआ कैप्सिकम डालकर सब्जियों को मीडियम फ्लेम पर सौते करेंगे। 1.5 से 2 मिनट के बाद इसमें 1/4 कप बारीक कटा हुआ कैबेज डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी हल्का सौते करेंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून सूंठ पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस और 1 टेबलस्पून सेजवान सॉस डाल देंगे
और सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब सब मिक्स करने के बाद इसमें आधा लीटर पानी यानी 500 ml पानी ऐड करेंगे। आप चाहो तो गर्म पानी भी ऐड कर सकते हो या फिर वेजिटेबल स्टॉक भी ऐड कर सकते हो। अब सब मिक्स कर देंगे और पानी में उबाल आने देंगे। अब पानी में उबाल आने के बाद इसमें 2 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून विनेगर और 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को 1/4 कप पानी में गोला हुआ मिक्सचर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ग्रेवी को मीडियम फ्लेम पर उबलने देंगे। देखिए इस तरह ग्रेवी हल्की गाढ़ी हो जाने के बाद जो हमने मंचूरियन बॉल्स बनाए थे वो भी ऐड करेंगे। मंचूरियन बॉल्स को हमें सर्विंग के वक्त ही ऐड करना है। सारे बॉल्स ऐड करने के बाद एक बार मिक्स कर लेंगे और 1 से 1.5 मिनट उबलने देंगे, जिससे बॉल्स एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। ग्रेवी को 1.5 मिनट उबालने के बाद आप देख सकते हो कि ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो गई है और बॉल्स भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमारी मंचूरियन बॉल्स विथ मंचूरियन ग्रेवी बनके रेडी है। अब हम सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। गर्मा गर्म मंचूरियन बॉल्स विथ मंचूरियन ग्रेवी को आप ऐसे भी खा सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे। अब गर्मा गर्म सेजवान फ्राइड राइस विथ नूडल्स को भी सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे, साथ में फ्राइड नूडल्स भी सर्व करेंगे। ट्रिपल सेजवान फ्राइड राइस बनके रेडी है। आप चाहो तो इस तरह तीनों को अलग अलग भी सर्व कर सकते हो, जिससे फ्राइड राइस के साथ अपनी पसंद से मंचूरियन बॉल्स विथ ग्रेवी कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। या फिर आप इस तरह प्लेट में फ्राइड राइस सर्व कर देंगे, फिर ऊपर मंचूरियन बॉल्स विथ मंचूरियन ग्रेवी ऐड करेंगे। अब ऊपर थोड़े से फ्राइड नूडल्स भी ऐड करेंगे, जिससे हल्का क्रंची लगेगा तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये चाइनीज़ डिश बच्चों से लेकर बड़ों को सबको बहुत पसंद आती है, तो आप भी मेरी रेसिपी से जैन ट्रिपल शेजवान फ्राइड राइस एक बार घर पर जरूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।